ये है सिंप्लेक्स कॉलोनी, यहाँ शिमादेव कार्यक्रम होने जा रहा है। सब लोग कितने उत्साह से दरी बिछा रहे हैं। ये है सिंप्लेक्स कॉलोनी, शिमादेव ने आज कृपा की है यहाँ आने की। यहाँ के रहने वालों का आज उद्धार होने जा रहा है शिमादेव के द्वारा, पुनर्जन्म दिया जा रहा है आज। देखें कितने लोग पार होते हैं। जिज्ञासा है सभी लोगों को कि यहाँ क्या होने जा रहा है। जान जा रही है दीदी बताने के लिए यहाँ क्या होने जा रहा है। उधर के लोग आ रहे हैं ना भैया जी, उधर का और लोग कार्यक्रम होने जा रहा है साहू साहब के घर में, जो खड़िया के पास महाजन मोड़ के पास उनका घर है। और बड़े अच्छे शिमादेवी के उपासक हैं, क्योंकि श्रद्धा से उन्होंने कार्यक्रम करा रहे हैं। यहाँ पे सारी तैयारियां हो रही हैं, माइक वगैरह सब लाए जा रहे हैं। देख ही रहे हैं आप सभी कि दरियां बिछाई जा रही हैं, तैयारी की जा रही है। हम तो लाख हैं, बहुत जगह हो जाता है। कितना प्रेम है माँ का, अपना कार्य करा ही लेता है ये प्रेम। एक
सारे कष्ट एक इंसान को होते हैं, इस सारे के सारे कष्ट माँ ने भी झेले, श्री राम ने भी उन कष्टों का स्वाद चखा, श्री कृष्ण जी को भी अनेकों पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। तो एक ऐसी स्थिति है कि भगवान को भी यदि अवतार लेना पड़ेगा हमारी है। एक सेकेंड आते हैं, चाबी से नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। श्री माता जी, श्री भैया ने बताया श्री माता जी के बारे में, उनकी जीवनी की जब बचपन में श्री माता जी जब पैदा हुई धरती पे माँ भगवती, तो कैसा कैसा उस समय था। 21 मार्च 1923 को दिन और रात बराबर होता है, आपको पता होगा कि उस दिन भी बराबर रात भी बराबर, और संतुलन था। संतुलन मतलब दोनों बराबर, सहयोग भी हमारा संतुलन पे, तो सब कुछ सहयोग लेके ही वो घटना ही घटित हुई, मतलब सहयोग लेके ही धरती पे वो पैदा हुई। बातें नहीं करेंगी, बातें करेंगी तो आप सब खो देंगे। एक एक शब्द यहाँ मायने रखता है समय। तो अब देखती हूँ अभी भैया बात करेंगे कि हम आ जाइए संभालिए। बस वहीं पे मतलब क्या करूं? तो हम ये बता रहे थे कि जितने भी मानव आए ऊंचे ऊंचे दर्जे के, पर जब जब आए हमने उनकी कदर नहीं की है। हम मानव ने, हम मनुष्य ने प्रूफ मांगा है कि आप परमात्मा हो, तो हमें अपना प्रूफ दो क्या परमात्मा हो, चाहे श्री राम जी आए हो, चाहे कृष्ण भगवान आए हो, कोई भी अवतरण आए हो, चाहे हमारे सीढ़ी के साईं बाबा, गुरु नानक जी, राजा जनक, जो भी आया, हमने उनसे बोला कि आप, हम मानो ने, हमने कहा कि आप भगवान हो तो साबित करो। और जब चले गए तब बड़ा अफसोस हुआ, तब तो प्रायश्चित भी किया, मंदिर बनवाए, बड़ी पूजा कर रहे, बड़े उपवास कर रहे हैं, श्री राम सुबह से लेके रात तक सुंदरकांड करते हैं, नाम लेते हैं, पर जाने के बाद रहे तो बड़ा सताया, पता नहीं भगवान है कि नहीं है, कि छलिया तो नहीं है, कितने राक्षस पीछे लगे रहते थे पूरे टाइम उनको सताने के लिए, उनको मारने के लिए, पर जाने के बाद होश आया। तो अब वो गलती नहीं करना है, अभी आप भी हो उस धरती पे, ईश्वर भी है। अब बार बार आप बार बार ईश्वर आएंगे तो बार बार उनसे प्रूफ पर मांगो, आई है तो ले लीजिए और सबके दिल से लीजिए, तब दोनों हाथ धरती माँ पे और प्रार्थना करें, श्री माता जी को देखे और बोले कि श्री माता जी हमारे शरीर के समस्त दुखों को धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, और आंखें जब आप बंद करेंगे तो आपका जो मन है वो आपके शरीर के अंदर जाएगा। दोनों हाथ धरती माँ पे रखकर हम ये प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी आप ही तो साक्षात श्री पृथ्वी माँ है, और पृथ्वी माँ से प्रार्थना करेंगे, हे पृथ्वी माँ आपके इस चरणों में हमारा कोटि नमन। माँ आप इतना कुछ हमें देती हैं, हे पृथ्वी माँ हम सबको अन्न देती हैं, फल फूल देती हैं, हम सबके बोझ को अपने ऊपर सहन करती हैं, बदले में क्या लेती हैं? कुछ भी नहीं, हमारे समस्त विकारों को भी ले लो,
क्योंकि पृथ्वी माँ बहुत ही ममतामयी है, बहुत ही करुणामयी है। आप उनसे प्रार्थना करें कि माँ हमारे अंदर के समस्त विकारों को आप अपने सिपावन चरणों में ले ले। हे पृथ्वी माँ, हमें निर्मल कर दे, हमें स्वच्छ कर दे, हमें स्वस्थ कर दीजिए। हे पृथ्वी माता, हमारे अंदर के समस्त चिंताओं को हर लीजिए, समस्त बाधाओं को हर लीजिए, बदले में हमें सुख दे दीजिए, शांति दे दीजिए, परम दे दीजिए, ज्ञान दे दीजिए, हमें अपना प्रेम दे दीजिए। हे पृथ्वी माँ, बस उसको महसूस कीजिए, आपको बस उसको अनुभव करना है, और आपका शरीर हल्का हो रहा है। और श्री माता जी से प्रार्थना करिए कि माँ हमें भूतकाल के या भविष्य के जो भी हमारे अंदर विचार है, विचारों से ही तो सारी कमियां हैं, सारी रोग हैं, सारी प्रॉब्लम्स है। श्री माता जी समस्त विचार आप तो की ही नहीं था, देखिए आ रहा है, कुछ लग रहा है, हवा आ रही है ना, कुछ खिंचाव सा हो रहा है ना। क्या आपसी हनुमान की शक्ति है श्री माता जी? क्या आपसी गणेश जी की शक्ति है श्री माता जी? क्या आप ही श्री जगदम्बा की शक्ति है? पूछिए माँ, क्या आप ही ओम की शक्ति है श्री माता जी? क्या आप ही आदि शक्ति है माँ? हमें बताइए माँ, क्या आप हम सबसे बहुत प्रेम करती हैं? ये आपके प्रेम की शक्ति है श्री माता जी? क्या आप ही परमात्मा हैं? और इस समय आप देखिए कि आपके हाथों पे कुछ हवा का दबाव आ रहा है, कुछ ठंडा ठंडा आपके हाथों पे ये कुछ हवा का दबाव, ऐसे लग रहा है कुछ ठंडा ठंडा आ रहा है। परमात्मा ये कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि वो निराकार रूप में आपको बता रहे हैं कि मैं ही हूँ, पूरा ब्रह्मांड है, ईश्वर एक है, उनके नाम अलग अलग है पर भगवान एक है। अब इनको नीचे लाए, आपको लग रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन माँ मिलने के बाद, माँ मिलने से पहले बाप रे जैसे मुझे कितना दुखित, ये दुख कैसे कटेगा माँ, हम कैसे कटाए ना, बच्चों से प्यार से बात करते माँ, बच्चे से किसको भी देखे लड़ना, अकेले घर में नहीं रहते थे, कैसे थे, हम काम करके भाग दे, घर छोड़कर हम भाग जाए, अब कितना घर बदलेंगे, गवर्नमेंट के क्वार्टर पर कितना बदलते जाएंगे, वो भी उतना खुश जाएंगे नहीं, अपना घर नहीं बार बार बदलते जाइए। लेकिन उसमें भी माँ मिली, बहुत प्यार मिला, बच्चे भी खुश है, हम भी खुश, अभी कोई परेशान नहीं है। अब आए तो जो भी दुराव करते हैं भैया पूरा करते हैं, दिल और पूरा खुश हो गया। लेकिन आपसे यही विनती है, जो भैया और दीदी बोले उनसे कृपा करके सुनिएगा, सबको दुख माँ भगाती है, लेकिन ये अपनी माँ है, बेटी का दुख माँ समझते, लेकिन पिता उतना नहीं समझते, लेकिन बेटी का दुख सबसे पहले माँ समझती है। देखो है, लेकिन इन्हीं की वजह से हम जिंदा है, ये नहीं होती तो हम नहीं रहते। देखो बेटी नहीं करेंगे, शुक्रवार हो मंगलवार हो, हम 12-1 बजे तक खाना नहीं करेंगे, अरे पूजा करना, ये दोने वो दोने नहा ले सब जगह पूजा, बहुत मतलब मेरा है हो गया, अल्सर हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, कब्बू की नहीं लगता था, और उठो ये पागल सारा घूमने लगा, अपने हाथ में हम खाना बनाएंगे, उसको खाएंगे नहीं, उसमें कुछ जहर मिला बनाएंगे अपने आप से देख देख, लेकिन उसमें भी डर कुछ गिर होगा, कोई मिला दे होगा। अभी देखा अभी का मार्ग फिर बस कुछ भी नहीं, अब अकेले रहो लगता है, मेरे पीछे आकर कोई बैठ रहा है, मेरे साथ कोई सो रहा है, मेरे से कुछ बोल रहा है, कोई कभी कभी बोलता था तुम चलो मर जाओ, हम बोले हम क्यों मरे, हम कौन सा तो दोस्त के हम जाकर मरेंगे, क्यों मरे। अब माँ के साथ घर में बोल रहे थे तो हम लोग बना रहे हैं, चुन 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 आ जाओ, ये बैठी हैं श्री माता जी अपने श्री चरणों के साथ। माँ बड़ा चमत्कार है आपके चरणों में, कमाल है, जहाँ चले जाएं कल्याण ही कल्याण। ये देखिए दीदी जी निकाल के दिखा रही हैं श्री चरण श्री माता जी के, वाह वाह, खुशबू आ रही गुलाब की, गजब खुशबू आ रही।
देखने के